अलवर गेट क्षेत्र की रहने वाली शुभा के साथ अज्ञात बदमाशों ने 43,000 की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अलवर गेट की रहने वाले रविकांत मिश्रा की पत्नी शुभा रत्नेश्वरी ने बताया कि वह अपने गांव बनारस जाने के लिए रेलवे का टिकट करवाया था, लेकिन वह कैंसिल हो गया, जिसका रिफंड आना था। इसे लेकर टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया गया, लेकिन वहां से वापस फोन आया और बदमाशों ने गुमराह करते हुए एनडेस्क डाउनलोड करवाकर और पेटीएम के माध्यम से करीब 43,000 रुपए निकाले गए। इस मामले की जानकारी मिली फिर उसने खाते को फ्रीज कराते हुए ऐप को भी फ्रीज करवाया और इसकी शिकायत अलवर गेट थाने में दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। ये 28 मार्च 2022 की घटना है, कल की, और कल दोपहर 12:30 बजे करीब ये सब हुआ है सर। तो फिर इसके बाद मेरा मेरे पेटीएम का भी उसने पैसा निकाल लिया। पेटीएम में भी मेरे 2400 रुपए थे, वो भी दो बार मैंने ट्रांजेक्शन कर लिया अपने अकाउंट में, और दो बार में मेरे अकाउंट का पैसा भी उसने निकाल लिया एनईएफ डेस्क के थ्रू। कैसे किया पता नहीं। और फिर जैसे ही पैसा मेरा जैसे ही कटा, मैंने फ़ोन कट किया और वो जो ऐप था उसको अनइंस्टॉल किया, और तुरंत मैं यूको बैंक गई, मेरा बैंक में जिस बैंक में मेरा खाता था उसमें गई और मैंने उसको फ्रीज करा अपना बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर सब फ्रीज करवाया। उसके बाद मैं वहाँ गई, मतलब पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज करवाया और फिर क्राइम। कुल कितना पैसा निकल गया ऐप द्वारा आपके? 43,000 के करीब निकल गया भैया। क्या क्या बोला आपको फ़ोन पर? क्या फोन आया? क्या फ़ोन आया तो उसने बोला कि मैं आपका पैसा रिफंड हो जाएगा मेरा, क्योंकि रेलवे के थ्रू पैसा कट गया था और आया नहीं था। तो बोला कराया था रेलवे? एक हफ्ते पहले कराया था। क्या? रेलवे टिकट बुक करवाया था। कहाँ के लिए? अपने जहाँ रहते हैं अपने घर जाने के लिए, बनारस के लिए। फिर बस क्या था, फिर वो अपना करता गया वैसा जैसा उसने फ़ोन किया, और मैं तो सोच रही हूँ मैं कस्टमर केयर से बात कर रही हूँ तो वो सही बोल रहा है, और उसने मेरे साथ धोखाधड़ी कर दी और इस तरह से पैसा काट लिया। क्या आप और किसी को सूचित करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सबको सूचित करना चाहती हूँ कि किसी भी 10-10 डिजिट वाले नंबर को तो कभी भी पहले ना समझे कि ये कस्टमर केयर का नंबर है। जो मैंने गलती की वो और कोई ना करे, इसलिए मैं ऐसा बताना चाहती हूँ कि 10 डिजिट वाला कभी कोई नंबर सही नहीं। और वो नंबर भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने गूगल पे बाद में सर्च किया तो उस नंबर पे के थ्रू कई फ्रॉड का केस उस पर किया गया उस नंबर के थ्रू। वो तो मैंने ये सब कांड होने के बाद की देखा, पहले देखा होता तो शायद मैं ऐसा नहीं करती, जागरूक होती। आप क्या करते हो? मैं सर अभी तो मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कुछ नहीं करती घर पे ही। मेरे हस्बैंड टीचर हैं, मैं कॉलेज अजमेर में। क्या नाम? रविकांत मिश्रा। आपका नाम? मेरा नाम शुभ्रा है। कौन सा थाने में रिपोर्ट दर्ज? अलवर थाना गेट। ठीक है।